हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेघालय एनएम 2023 के बारे में। इसका फुल फॉर्म है मेघालय ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये इसका फुल फॉर्म है, कंडक्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे ये एग्जाम डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज मेघालय के थ्रू। अब गाइस, अगर आप लोगों को जो है यहाँ पे मेघालय स्टेट के अंदर नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, यहाँ पे एएनएम कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, डिप्लोमा कोर्सेज में, इस एग्जाम के थ्रू आप लोगों को मिल सकता है। इस एग्जाम को आपको क्लियर करके क्रैक करना होगा। तो आइए इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइक अगर डेट्स की बात की जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों का जो एप्लीकेशन है मोस्ट ऑफली सेप्टेम्बर में रिलीज किया था, ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू ऑफिशियल डेट्स अनाउंस नहीं की गई है। जैसे ऑफिशियल डेट्स अनाउंस होगी हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे, आप लोगों का हर एक डेट्स जो है हर एक इवेंट की डेट्स आपको एक्सप्लेन करके नोटिफाई कर दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। मे बी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट ना हो, क्या करना होगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं था किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट किस तरह से स्कैन करके अपलोड करना है। जस्ट किसी भी तरह से यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिजेक्शन फेस करने पड़ता है। तो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा फ्रॉम स्टेप वन, यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आपको पे करके बताया जाएगा। तो गाइस, मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। बात कीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइस यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट आप लोगों की जो है 17 ईयर्स रहनी चाहिए, अपर एज लिमिट हायर, मैक्सिमम एज लिमिट आपके यहाँ पे 30 ईयर्स बता दी गई है, 17 से कम आपकी उम्र नहीं रहनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, 12 पास आउट रहनी चाहिए आप लोग यहाँ पे, और गाइस आप लोग फिजिकली मेडिकली फिट रहने कंपलसरी है। अगर आप एलिजिबल रहेंगे गाइस, उसके बाद आप लोग की मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी, उसमें आपका नाम रहेगा, देन गाइस आप लोगों का यहाँ पे जो है फिर कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, देन मेरिट लिस्ट, देन काउंसलिंग कर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, एंड फिर आप लोगों को यहाँ पे आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। सो गाइस, नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को जो यहाँ पे मेघालय एनएम 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।